सोमवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जाट आरक्षण विधेयक को हरी झंडी दे दी गई। अब इंतजार है कि सरकार सदन में इस बिल को लेकर कब आती है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस सत्र के अंत में बिल को लाया जाएगा, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि बिल को लेकर कैबिनेट में मतभेद हैं। हरियाणा में जाट समुदाय के लोगों के लिए खुशखबरी है। सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आखिरकार जाट आरक्षण को हरी झंडी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में जाट आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। अब इंतजार है इस विधेयक के विधानसभा में लाने का। कैबिनेट ने आज इस विधेयक के जो प्रारूप है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको स्वीकार किया है। कोई असमंजस नहीं है, हमारा वायदा है कि हम सत्र में चलते हुए सत्र में किसी भी दिन इस बिल को लाएंगे, वो किसी दिन भी कार्यसूची में आ सकता है, अभी 3 दिन उसमें शेष है। सरकार की ओर से सत्र में ही जाट आरक्षण बिल लाने की बात कही जा रही है। जाट आरक्षण विधेयक पर नेता विपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि सरकार बताए विधानसभा में बिल कब लाया जाएगा। इस बात का जवाब आप मुख्यमंत्री से लें, उन्होंने प्रदेश के लोगों के सामने इस बात को लेकर के वायदा किया था कि हम इसी सेशन के दौरान इस विधेयक को लेकर के आएंगे, लेकिन लगातार इस पे भ्रम बना हुआ है। सोमवार को पूरे दिन कयास लगाए जाते रहे कि कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सरकार जाट आरक्षण विधेयक को सोमवार को ही सदन में लाएगी, लेकिन सोमवार को बिल नहीं लाया गया। हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र 31 मार्च तक चलेगा। सरकार भी इसी सत्र में बिल लाने की बात कह रही है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। और यहाँ आपको बता दें कि लगातार अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से सियासत भी हो रही है और विधेयक को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड जैसे हालात नहीं है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उनके साथ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी भी मौजूद रहीं। उत्तराखंड में बदले राजनीतिक हालातों के मद्देनजर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की श्रीमती सोनिया गांधी से मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इसे शिष्टाचार मुलाकात ही बताया। श्रीमती सोनिया अंबिका सोनी जी एंड शी सेड आई एम गोइंग टू सी मैडम, मैं क्या आई हैव टू कम विद यू एंड पे माय रिस्पेक्ट्स। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों को अस्थिर करने में लगी है। हालांकि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में इस तरह की किसी भी राजनीतिक खतरे को नकारा है। हमें कोई खतरा नहीं है। What they've done in Uttarakhand, they will attempt in other Congress case also. उत्तराखंड की बात जो हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं आप? I think this is a blatant misuse of power and authority. वीरभद्र सिंह भले ही बीजेपी पर निशाना साध रहे हों, लेकिन मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप ने वीरभद्र सिंह पर पलटवार किया है। हिमाचल का प्रश्न है, वीरभद्र दिल्ली जाकर आज श्रीमती सोनिया गांधी से मिले, वो डरे हुए हैं। उनकी जो बुखलाहट है भयभीत है, कहीं उत्तराखंड में जहां कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण विधायक मुख्यमंत्री रहे बगावत कर चुके, तो ऐसी ही दृश्य हिमाचल में देखने को मिला, इसे डर के मारे। सूबे में 2017 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी से शुरू हो चला है। ईडी की कार्रवाई के बाद से बीजेपी लगातार वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि सीएम केंद्र पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली।